वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे पास फिलिप्स का एम्पलीफायर मौजूद है। मॉडल है D796, D796 मॉडल। इसमें प्रॉब्लम है, पावर नहीं आ रही, तो ऑन नहीं हो रहा। इसको चेक करेंगे इसमें क्या इशू है। आइए इसको चेक करते हैं पहले। और देखिए इसमें लाइट वगैरह कुछ नहीं जल रही और स्क्रीन भी ऑफ है, कोई बटन काम नहीं कर रहे, पैनल बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे। तो आइए इसको चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको डायग्नोस करते हैं। तो चलो आ जाए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मसला है। ये देखिए, ये इसका मेन बोर्ड है और ये इसकी सप्लाई है। तो पहले हम इसको सप्लाई में चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सप्लाई को निकालने से पहले हम इसका सीडी चेंजर पहले निकालेंगे। तो आइए इस पहले इसका सीडी चेंजर निकालते हैं। देखिए ये इसकी गरारी है, तो यहाँ से आएंगे तो ये इसका ट्रे बाहर आ जाएगी। दो तरह के नट लगे हुए हैं। आई थिंक ये पहले भी शायद एक दफ़ा रिपेयर हुआ है। बहुत पुराना मॉडल है ये मॉडल 2006-2007 में आए थे। हाँ, क्योंकि इसका सीडी चेंजर का भी ग्रिप निकला हुआ है, तो ये शायद एक दफ़ा पहले रिपेयर हुआ है ये। लेकिन अब हम इसको चेक करेंगे डायरेक्ट। देखिए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारे सप्लाई के केबल्स हैं। इसकी पावर सप्लाई है। चलिए पहले सप्लाई की केबल निकाल देते हैं। सप्लाई खोल लेते हैं। ये हमने इसकी सप्लाई निकाल ली है, आप देख रहे हैं इसकी पावर सप्लाई है। अब हम पहले इसमें चेक करेंगे इसको डायग्नोसिस में क्या। अच्छा, अगर सप्लाई डेड हो गया है तो इसमें सबसे पहले फ्यूज़ चेक किया जाता है। पहले ज़रा इसका फ्यूज़ निकाल के चेक कर लेते हैं, देखते हैं फ्यूज़ में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, इसका फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है, इसका फ्यूज़ ख़राब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। धीरे से देखते हैं इसका ये पार्ट थोड़ा सा ब्लैक हुआ है, तो हम इस पर डाउट है। मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। इसकी रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं ये ब्लैक हो गई है। इसको एक नज़र चेक कर लेंगे मीटर पे। एक मिनट को मैं बताऊँ। अच्छा, अब हम इस पर मीटर की प्रॉप्स इस पर रख के अब हम इसे चेक करेंगे आराम से। देखिए इस पर कोई किसी भी किस्म की वैल्यूज शो नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक हो गया, आई थिंक ये जल गया है इसमें सप्लाई में। अब हम इसका पार्ट्स बदली करेंगे, ये रेजिस्टेंस लेकिन ये हमने बिल्कुल सेम चाहिए होगी, सेम बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आपने आगे पीछे कोई और लगा दी अल्टरनेट में तो ये बोर्ड फायर भी हो सकता है, इसमें आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हमारे पास देखें सेम हमने ले लिया, हमारे पास दूसरी मौजूद है। उसमें यहाँ पे आराम से लगा दूँ इसे, इस पे एरो का निशान देखें, मैं आपको दिखा ऐसे लगा। अभी हमने सेम इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर दी है, अब इसको लगा के चेक करते हैं इसमें पावर आ रही है या नहीं। इसकी पावर की सप्लाई के केबल हैं, और ये इसकी सप्लाई की पावर्स की केबल्स। इसको चेक करते हैं कि इसमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ पावर आ गई है, डिस्प्ले आ गया है, आ रहा है। अब हम इसमें स्पीकर लगा के चेक करते हैं। देख चुके हैं इसमें साउंड आ गया है, अभी कंप्लीट ऑन हो गया है, साउंड बिल्कुल इसमें परफेक्ट आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।